जी अगर जो आप ढूंढ रहे थे एडवेंचर और साथ में वो टूरर बाइक भी हो तो भाई आपके ना सारी खोज है ना रोक दो, मैं ढूंढ के देता हूँ ना, आप मत करो मेहनत भाई, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ आपके लिए मेहनत मैं कर। तो ये आती है भाई हीरो की तरफ से एक्सपल्स 204V, नाम काफ़ी बड़ा है, पूरी उस वीडियो में मैं एक्सपल्स यूज़ करूँगा तो आप उसे समझ जाना कि मैं इसी बाइक की बात कर रहा हूँ। इस बाइक में भाई ऐसे ऐसे फीचर मिलेंगे आप सुनकर ना हैरान हो जाओगे, और साथ में ना इसमें मिले ऑयल कोल्ड इंजन। फीचर की बात करेंगे और इस काम करेंगे ओवरऑल रिव्यू, क्या चीज़ इसमें अच्छा है क्या बुरा है। तो जी जैसे हम हमेशा चाबी से स्टार्ट करते हैं तो ये रही भाई हमारी इसकी जो नॉर्मल चीज की होती है वही है। तो चाबी से भाई स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, इसमें हमें क्या क्या चीजें हमें मिलती है। तो भाई ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें भाई हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको साथ में गियर इंडिकेटर मिलेगा, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, एवरेज स्पीड हमारी कितनी रही, टाइम भी मिलेगा साथ में, और साथ में भाई हमारी ट्रिप भी मिलेगी, ठीक है, ट्रिप में मतलब कितना ट्रिप चली हमारी कितना रही, और ऑडोमीटर भी है साथ में, और इंजन का फ्यूल गेज भी है, एबीएस की लाइट मिलेगी, इंजन की भी लाइट मिलेगी, और साथ में न्यूट्रल और टर्न इंडिकेटर भी साथ में मिलेगा, और लो बीम हेलमेट, लो बीम और हाई बीम भी आपको साथ में दी गई है। हैंडल है भाई इसकी बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल बात है कि इसे ना आप राइज भी कर सकते हो इसमें राइजर लगा के, और भाई देख ही रहे होंगे आप कितना ब्रॉड है इसका हैंडल जो कंफर्टेबली आपको राइड करने में हेल्प करेगा। जी साथ में इसमें एक जो फीचर है ये आप ये जो बटन देख रहे हो ना आप इनसे आप है ना इनके फीचर्स भी टॉगल कर सकते हो, और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी इसमें साथ में, और आप इसकी हैंडल बार को चेक ही कर सकते हो कितना प्यारा, मतलब एक जो है ना टूरिंग बाइक का जो होता है वही बिल्कुल सेम दिया गया है। अब जी हमें हैंडल बार में हमें क्या क्या फीचर मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो साथ में हॉर्न मिलेगा, टर्न इंडिकेटर, ये लो बीम हाई बीम, और ये हाई बीम का ये पास का स्विच, और साथ में इंजन किल स्विच में भी साथ में इसके सेल्फ भी है, जैसे स्पोर्टी बाइक में रहता है आपने चेक करा होगा स्पोर्ट बाइक में जो हीरो की इनकी एक्सट्रीम है उसमें भी सेम एज इट इज़ यही था, और साथ में ना इसमें सेल्फ भी है और किक स्टार्ट दोनों चीज़ें दोनों ऑप्शन आपको साथ में मिलेंगे। तो जी जैसे फ्यूल टेक्नोलॉजी हो गई है भाई, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी हो गई है, F1 प्रोग्राम ये जो ये है ना ये हीरो की टेक्नोलॉजी है जो इसमें यूज़ हुई है। अच्छा जी तो बात कर लेते हैं भाई इसके फ्रंट की। तो जी फ्रंट में आपको मिलेगी ये देख रहे हो आप प्यारे प्यारे छोटे से DRL, ज़्यादा बड़े नहीं है कि मतलब जो आपको लगे कि बहुत बड़ा DRL है, छोटे से DRL है, और साथ में ना LED का लो बीम और हाई बीम दोनों ही LED मिलेगी आपको, और साथ में भाई ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिलेगा, इंडिकेटर आपके जैसे नॉर्मल हेलोजन वाले रहते हैं वही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं पीछे की, तो पीछे जो हमें लाइट मिलेगी वो मिलेगी पूरा LED सेटअप मिलेगा, और जो ये पीछे की इंडिकेटर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। अब जी इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो फ्यूल टैंक इसका मिलता है जी हमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो हमें सिटी में निकाल के देगा 51 के माइलेज जो कंपनी क्लेम्ड है, और 41 की है आपको हाईवे पे माइलेज देगा। तो जब बात कर लेते हैं हम इसके इंजन के बारे में, तो इंजन मिलेगा भाई इसमें हमें 200 cc का इंजन, 199.99 का जो वो रहती है इसकी, जो हमें देगा भाई 19.17 PS की पावर और 17.19 Nm का टॉर्क, जो भाई बहुत ही अच्छा एक टॉर्क माना जाता है टूरिंग बाइक और एडवेंचर बाइक के लिए, जैसे आप पहाड़ों पर भी आराम से करते हो। और साथ में आना जो ये इंजन है ये हमारा है भाई ऑयल कोल्ड इंजन है, आप चेक ही कर पा रहे होंगे ये रेडिएटर है जो ये देख लो। तो जी ये रेडिएटर है, इससे आप क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो ऑयल कोल्ड पहले इसमें एयर कोल्ड इंजन रहता था, ऑयल कोल्ड इंजन आने का फ़ायदा ये हो गया हमें कि अब हमें अगर जो लंबे टूर करने हो तो वो उससे है ना आप आराम से कर सकते हो। और साथ में ना भाई देखो इसमें ये ग्रिल दे रखी है ना, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिल भी दे रखी है, अगर जो स्टोन चिपिंग होती है चलते हुए वो भी इससे अच्छे खासे प्रोटेक्ट हो जाती है, और इंजन प्रोटेक्शन कवर भी दे रखा है अगर जो आप ऑफ रोड निकलोगे तो उसके लिए। और जी साथ में हाँ इसमें जो जी आपके हैं आपको मिलेंगे इसमें अलॉय व्हील, स्पोक व्हील वाला नहीं मिलेगा क्योंकि स्पोक व्हील वाला है प्रो मॉडल में, आगे पीछे दोनों तरफ है ना आपको एलॉय व्हील ही मिलेंगे, और साथ में आगे पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे विद ABS, सिंगल चैनल ABS है दोनों में। तो अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो भाई फ्रंट में मिलेगा हमें
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो इसमें साथ में रबड़ भी दे रखी है। रबड़ का काम ये होता है मेनली कि आपको जैसे जो क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है क्योंकि धूल मिट्टी में भी जाएगी तो उससे आपको धूल मिट्टी लग के ना इसकी सील भी कट सकती है, तो सील से सील कटने को बचाने के लिए के साथ में रबड़ भी दी गई है जिससे कि हमारी ये आराम से चल जाए। और पीछे मिलेगा जो हमें मोनोशॉक सस्पेंशन जो एडजस्टेबल है, शायद 2 या 3 वे एडजस्टेबल सस्पेंशन है ये। तो जी अब बात कर लेते हैं इसके कौन सा ये जनरेशन की है। तो जी ये BS6 सेकेंड जनरेशन है इसकी, कैटलेटिक कन्वर्टर आप चेक ही कर पा रहे होंगे। और जी अब इसकी गियर की बात कर लेते हैं, तो जी इसमें हमें मिलेंगे 5 गियर मिलेंगे, पहला नीचे का है, फिर न्यूट्रल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और साथ में भाई मल्टीप्लेट वेट क्लच भी मिलेगा इसमें। और जिनके हेल्प से भाई मेरा पूरा रिव्यू पॉसिबल हो पाया है भाई, जो यहाँ के HR मैनेजर भी हैं और वो है ना आपको सारे ऑफर भी समझा देंगे जो जो इस पे चल रहे हैं। तो मैं आपको है ना उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है। अच्छा, तो आप जरा हमें स्कीम के बारे में समझा दो कि यहाँ पे जो बाइकों के ऊपर स्कीम चल रही है, पहले तो अपना इंट्रो दे दो, आपका क्या है, कैसे कैसे बाइक है, एजेंसी का नाम पूरा और एड्रेस वगैरह। एजेंसी का नाम है आस ऑटोमोबाइल, लक्सर रोड, बदाता। ओके, धनपुरा। अच्छा, ये UP ऑटोमोबाइल से अटैच है। जी जी जी। अच्छा, तो आपको हमें यहाँ पे ऑफर भी मिलेंगे? ऑफर मिलेंगे। तो किन किन बाइक पे हमारे ऑफर चल रहे हैं? ऑफर स्प्लेंडर को छोड़ कर ना सभी मॉडलों को है ऑफर है। और ऑफर 1 अक्टूबर से लेंगे, 1 अक्टूबर से लेगा 14 अक्टूबर तक, बुकिंग करने का 1000 का कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो चलो मैं आपके यहाँ की फाइनेंशियल टीम से मिलाता हूँ, जो आपको जो अपने बाइक नहीं ले सकते जो लोन पे लेना चाहता है उनके लिए भी मिलाता हूँ। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम अंकित सिंह है। अच्छा, ये LMT फाइनेंस है। और ये दूसरे भैया? अच्छा, तो भैया सबके सपने पूरे हो जाएंगे ना आपके वजह से, तो और कोई बाइक ले सकता है ना। चलो तो बढ़िया है भैया, मिलते हैं, चलो दोबारा ऐसे करते रहो लोगों के सपने। ठीक है, धन्यवाद। तो जी अब मेन बात आती है कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जी देखो, अगर जो आप टूरिंग बाइक ढूंढ रहे हो, तो जी अगर जो आप 1,65,000 के बीच में अगर जो आप कोई बाइक देख रहे हो, तो भाई ये आपके लिए वो बाइक है जो आपके सपने पूरे कर देगी, सारे सपने पूरे कर देगी। मतलब जो आप जिससे चाहते हो ना, जो एक बाइक से आपको चाहिए कि हाँ मेरी बाइक ऑफ रोड भी जा सके, एक्सट्रीम भी करके आ सके, लद्दाख ले लद्दाख वगैरह आराम से करके आ सकूँ मैं, और मुझे पैसे भी ज़्यादा ना लगाने पड़े, तो भाई आपके लिए बाइक भाई बिल्कुल सुटेबल ऑप्शन है। इसके साथ में इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, पर भाई वो इसके आसपास भी नहीं, क्योंकि भाई वो प्राइस में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। अगर जो आपको प्राइस अपना मेंटेन रखना है और आपको अच्छे बाइक भी चाहिए, तो भाई ये हीरो की तरफ से बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकला हुआ है। तो भाई तब तक के लिए आप राइड सेफ करें, हेलमेट पहने और कार चलाते हुए सीट बेल्ट हमेशा लगाएं। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।